ये देखो भाई, आज सोमवार का व्रत है हमारा और नाग के दर्शन हो गए। वो देखो भाई, अभी दिखाता हूँ, देखो पूरा बहुत धीरे धीरे रेंग रहा है। वो देखो 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 हो रहा भाई, अब वो उस पत्थर के नीचे जा रहा है वहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं स्वागत है फिर से आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज है मेरा डे ऑफ और हमेशा की तरह मैं डे ऑफ के दिन, जैसा आपको पता है, बाहर निकल जाता हूँ घूमने। तो आज मैं जिस लोकेशन में आया हूँ इसका नाम है डीआर पार्क। तो वैसे तो मैं पहले भी इस लोकेशन में कई बार घूम चुका हूँ, बट वो काफ़ी टाइम पहले आया था और जब भी आया था तो इस पार्क को पूरा नहीं घूम पाया था। तो आज मैं कोशिश करूँगा इस पार्क को पूरा घूमने की। तो चलिए गाइस, फिलहाल तो मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, अब देखते हैं कि आज इस पार्क को मैं पूरा घूम पाता हूँ कि नहीं घूम पाता हूँ। वैसे उम्मीद तो मुझे पूरी है कि मैं इसको आज पूरा घूम लूँगा, बट लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, अभी जस्ट मैंने चलना शुरू ही किया था और मैंने देखा कि मेरे सामने से एक सांप क्रॉस हुआ है अभी। तो उससे पहले कि वो भाग जाए, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ उसको, वो कहाँ पे है। ये देखो भाई, आज सोमवार का व्रत है हमारा और नाग के दर्शन हो गए। देखो भाई, ये रहा सांप, अगर आपको दिखा होगा तो ये जा रहा, देखो अंदर। देखो भाई, फिर से बाहर निकल रहा है ये सांप, और ये किंग कोबरा है आई थिंक। वो देखो, वो जा रहा है लंबा सा। वो देखो भाई, रेंगता हुआ, इसने मुझे देखा नहीं है शायद, तक देख लिया शायद। वो देखो 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 हो रहा है गाइस, अब वो उस पत्थर के नीचे जा रहा है वहाँ से। भाई बहुत बड़ा सांप है भाई ये, पत्थर के नीचे नहीं जा रहा गाइस, आगे निकल गया। वो देखो हो रहा, अगर तुम ढंग से देख पा रहे होगे तो, मैं ज़्यादा शोर नहीं कर रहा हूँ। ये लो भाई, दोबारा बाहर आ चुका भाई। देखो वो जो धूप हो रही है ना हल्की सी, आगे वहीं पर ही है वो सांप। वो देखो भाई, अभी दिखाता हूँ, देखो पूरा बहुत धीरे धीरे रेंग रहा है। और ये या तो धामन है और या फिर ये किंग कोबरा ही है। देखो भाई, थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये, देखो ये रहा, देखो ये लेटा हुआ। देखो कुछ लोग आ रहे हैं सामने से, शायद वापस से भागेगा ये सांप। ये देखो भाई, जा रहा है बंदर ये। वो देखो भाई, अंदर चला गया, वो छोटे से पेड़ के पास जो जमीन पर खड़ा हुआ था ना, वहाँ से अंदर को जा रहा है वो, चला गया अब अंदर। तो भाई अब काफ़ी अंदर चला गया, अब तो अब नहीं आएगा बाहर ये, अब झाड़ियों में कहीं चला जाएगा पीछे पीछे। तो देखो भाई, ये ऐसे गड्ढे होते हैं ना, इन्हों में रहते हैं सांप, और यहाँ पर भी ऐसे ही बने हुए थे, क्योंकि इसके कई सारे रास्ते होते हैं ना, इन बिलों में रहना पसंद करते हैं ये, ताकि अगर एक तरफ से खतरा हो तो दूसरे तरफ से बाहर निकल जाए। तो चलिए भाई, सांप तो चला गया आगे जहाँ उसको जाना था, और मैं भी बढ़ता हूँ आगे के लिए। और वैसे भी आज मेरा सोमवार का व्रत था, तो मेरे को तो आज सांप के दर्शन भी हो गए, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। और भाई, फिलहाल जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मेरे अगल बगल पूरे जंगल जंगल जैसा है डियर पार्क के अंदर। और आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में जो काई जमी हुई है, और हल्की हल्की धूप निकली है आज, बट यहाँ पर नीचे पेड़ इतने ज़्यादा घने हैं कि धूप नीचे तक पहुँच नहीं पा रही है, और हवा भी अच्छी अच्छी चल रही है। तो फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और आगे देखता हूँ क्या क्या है। वैसे देख सकते हैं आगे तो फिलहाल पूरा घना जंगल ही जंगल नजर आ रहा है मुझे। तो भाई, अभी मैं जस्ट डीआर पार्क के अंदर आया था, और मैंने अभी एंट्री करी थी, थोड़ी देरी हुई थी बस मुझे आया अंदर, और आके मैंने सबसे पहले यहाँ पर आके सांप देख लिया। तो अब मुझे थोड़ा शरीर में झंझराहट तो मस्ता ही है, तो अब मैं जब भी चल रहा हूँ तो दाएँ बाएँ पूरी अच्छी तरह देख के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा दिल में जो है थोड़ा डर बैठा हुआ है इतने पास से सांप को, वो भी पहली बार दिल्ली में देखने के बाद। और भाई, वैसे डीआर पार्क जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अभी इसके अंदर मैं जा रहा हूँ ढूंढने गिनी पिग का एक हाउस हुआ करता था यहाँ पर, जैसे कि मैं 7-8 साल पहले यहाँ पर एक बार आया था, तो यहाँ पर एक गिनी पिग का हाउस हुआ करता था, जहाँ पे बहुत ही सारे गिनी पिग थे, और एक था यहाँ पर बड़ा हिरनों का, जहाँ पर बहुत सारे हिरन है। तो फिलहाल मैं वो वाली लोकेशन ढूंढ रहा हूँ अंदर, तो फिलहाल आपको वहीं पर सीधा मिलता हूँ। तो भाई, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर गिनी पिग का और हिरणों का बाड़ा है, तो फिलहाल तो मैं पहुँच चुका हूँ गिनी पिग के जस्ट बाड़े के सामने, और आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा वो, और अभी आपको इसको और पास से दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये रहे बहुत सारे गिनी पिग, कोशिश करता हूँ ऐसे फोकस करने के अंदर। ये देखो भाई, अब पास से देखो कितने सारे हैं ये, कम से कम 1000 के आसपास होंगे, बहुत सारे हैं ये। और पता नहीं बंद करके क्यों रखते हैं, जब इनको रखा है यहाँ पर तो इनको थोड़ा देखने लायक बनाना चाहिए कि लोग देख सकें। इसको पूरा कवर कर रखा है, कोई नहीं देख सकता यहाँ पर। और ये देखो भाई, हमेशा की तरह एक और गिरा पास आ गई मेरे, ले खाएगी ब्रेड, रुक जा वैक्सीन निकाल के देता हूँ, ले ले आ जा आ जा, उठे चले गई। ये देखो भाई, वैसे तो मैं गिलहरी के लिए जो है ब्रेड निकाला था बैग से, और इनको ना पन्नी की आवाज़ शायद पता होगी, ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। ये लो,
पन्नी की आवाज़ से आए ये। ये खरगोश है भाई, देखो ये, देखो ये रहा। ले 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 ले, अंदर जा नहीं पा रहे बेचारे के लिए खाना, बहुत ही जो है बारीक कर रखा है इनके छेदों को। ये देखो भाई, मैंने ब्रेड तोड़ के डाली थी, देखो कितने सारे इकट्ठा हो गए यहाँ पर, पास आ गए। दो खरगोश यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं और बाकी सारे गिनी पिग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ से मैंने ना ये देखो चूरा भी अटका हुआ है, तोड़ तोड़ के ना ब्रेड अंदर डाल दी मैंने बहुत सारी, और बहुत सारा झुंड लग गया इनका यहाँ पर। इनकी हाइट छोटी है ना, बाउंड्री के ऊपर सारा ब्रेड इकट्ठा हो गया। देखो थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ उसको अंदर डालने की। ये देखो भाई, अब आएंगे देखो। और इनकी हाइट छोटी है ना, ऊपर तक पहुँच नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो चलिए भाई बढ़ता हूँ आगे की तरफ। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है वे गिनी पिग एक साथ आ गए थे वहाँ पर, और बहुत सारा हल्ला भी करने लग गए थे वो। तो अब मैं बढ़ता हूँ फिलहाल आगे की तरफ, अब देखता हूँ वो हिरणों का बाड़ा कहाँ पर है। वैसे तो ये बाघ जो है बहुत सारा बड़ा है, इसलिए ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ते अंदर से। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे की तरफ, अब देखता हूँ बाड़ा कहाँ पर है। और अब ये देखो भाई, यहाँ पर तो आपको गुम्बद भी देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कितना बड़ा गुम्बद है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर भी हिस्सा बना हुआ है और वहाँ पर भी है, दूर है वो। और ये जो है ये लोधी वंश के हैं, इसके बारे में यहाँ पर जो है वो पूरा डिटेल में भी लिखा हुआ है। तो चलिए भाई, अब काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे लगता है कि फाइनली मैंने वो बाड़ा ढूंढ लिया है हिरणों का, और वो मेरे जस्ट सामने है। अभी मैं पास जाके देखता हूँ, मैं डाउट में अभी भी वो है कि नहीं। पहले मैं पास जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हिरणों के बाड़े के पास आ गया हूँ, आप देख सकते हैं ये रहा वो हिरणों का बाड़ा। बट बैड न्यूज़ ये है कि पूरा कवर कर रखा है इसको भी, और इसके अंदर एक भी हिरण नहीं दिख रहा। बट कोई बात नहीं, फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देखता हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आगे से खुलाओ और मुझे कुछ हिरण देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए मैं आगे ले बढ़ता हूँ फिलहाल। तो भाई देख सकते हैं, मैंने इसको भी ना ऊपर से ब्रेक फेंक के यहाँ से उसको यहाँ बुला लिया है, पास आ गया अब थोड़ा सा। तो पास आ गया, देखो ये रहा। मैं चाहता हूँ इस वाले कॉर्नर पे आ जाए ताकि और अच्छे से दिखे। हल्के से फेंकता हूँ, अरे यार नीचे नहीं गई है, फेंकता हूँ दोबारा से। ये देखो भाई आ गया, ये देखो भाई नीचे से दिखाता हूँ। देखो ये रहा एक हिरण, और यहाँ पे ना हिरण अब कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, अब पता नहीं क्यों नहीं है। कोई शिफ्ट हो गए यहाँ पर, या तो कहीं शिफ्ट कर दिए, बट पता नहीं है, बहुत कम ही दिख रहे हैं और उनको ढक भी दिया पूरे एरिया को। तो चलिए भाई, जैसे कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा हिरण देखने को तो मिले नहीं है, और फिलहाल मैं अभी भी उन्हीं का वेट कर रहा था, बट यहाँ पर अब आ नहीं रहे, और यहाँ पर उन्हीं का ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से कवर भी है सारा, तो मैं कुछ देख नहीं पाऊँगा। तो फिलहाल यहीं पर ही पास में घोसखास विलेज की लेक है, जो कि अंदर ही से कनेक्टेड है, और अब मैं वहीं पर जाता हूँ, फिलहाल वहीं पर मिलता हूँ आपको सीधा। चलिए भाई, फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं झील के पास, और देख सकते हैं ये रही मेरे पूरे लेफ्ट साइड में पूरी झील है, और ये बहुत लंबी है। इसकी भी पूरे राउंड में पूरा एक सर्कल पूरा बना रखा है, ट्रैक बना रखा है। देखता हूँ मैं आगे तक चलता हूँ पूरा, और पूरा इसे कवर करूँगा अब। और भाई ये झील देखो, पास से देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी झील है। और सबसे बड़ी बात है ये झील गहरी भी है, ये देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, देखो ये देखो भाई झील गहरी है, कृपया इससे दूर रहें। और भाई आप मेरे पीछे एक आवाज़ सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदर की आवाज़ है, बट मुझे यहाँ पर बाद में पता लगा यहाँ पर पूरे पेड़ों में जो है चमगादड़े चमगादड़े लटके हैं। आपको दिखाता हूँ, देखो ऊपर दिखाता हूँ, देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो भाई कितने सारे चमगादड़े लटके हैं, काले काले बहुत बड़े बड़े चमगादड़े हैं, और सभी पेड़ों में, पूरे पेड़ों में यहाँ पर। ये देखो भाई, और देखो देखो भाई कितने सारे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ सब्जी वब्जी लटकी हुई है, ऐसा लग रहा है इन्हीं का चमगादड़ों का पेड़ है, ये उगे हुए हैं जैसे बहुत सारे, हर एक पेड़ में यहाँ पर, ऐसा कोई सा पेड़ नहीं जिसमें चमगादड़ ना हो। और ये देखो गाइस कितना बड़ा पार्क है ये, 95.55 एकड़, तकरीबन 100 एकड़ में फैला हुआ पार्क है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क। और ये देखो भाई, इसी पार्क में एक और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन है, जिस पर फिलहाल तो कपल्स ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई, ऐसी लोकेशन पर हमारा कोई काम नहीं है, तो इसलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और भाई फिलहाल मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, वो जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पर जो है चारों तरफ आगे सामने से पानी है, एक टॉम भी है, और यहाँ एक फवारा भी चल रहा है पानी का, और सामने से डक्स हैं। देखो भी आपको सामने से दिखाते हैं, देखो कितना सुंदर नज़ारा है। देखो भाई ये देखो फवारा वो चल रहा है, वहाँ टॉम है, यहाँ डक्स घूम रही हैं कुछ। और भाई यहाँ पर मैंने अभी डक्स कुछ ब्रेड खिलाई थी, तो वो डक्स मेरे बहुत ज़्यादा पास आ गई, आपको दिखाता हूँ सामने से दिखाता हूँ। देखो अभी ये देखो भाई, थोड़ा पास से दिखाता हूँ कितने सारे डक्स आ रही हैं यहाँ पर, और ये सारी डक्स एक ही पैटर्न की है। वो देखो भाई ये ले ले ले, बहुत फुर्ती में आ रही खाने के लिए जब मैं डाल रहा हूँ ब्रेड। ये देखो भाई पास से दिखाता हूँ थोड़ा सा। चलिए भाई, फिलहाल मैं वापस से बढ़ चुका हूँ यहाँ पर आगे के लिए, और अब मैं इस झील की यहाँ पर एक पूरी परिक्रमा करूँगा, जैसे कि झील के पूरे किनारे पे पूरे एक ट्रैक बनाया हुआ है,
तो मैं इस ट्रैक को पूरा करूंगा और उसके बाद जो यहाँ से वापस से घर निकलने की तैयारी कर लूंगा। चलिए गाइस, जैसे कि मैंने इस झील का एक राउंड पूरा कर लिया है और इस पार्क को पूरी इसी तरह घूम भी लिया है, तो और अब टाइम भी ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं सीधा घर निकल जाता हूँ। और इसी के साथ अब इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करूँगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।